नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में होते आए हैं और समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। बाल विवाह अब सिर्फ ग्रामीण इलाकों की समस्या नहीं है, बल्कि मेट्रो और छोटे शहरों तक में बाल विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही बाल विवाह अपराध से जुड़ा एक ताजा मामला पीलीभीत में सामने आया है। यहाँ पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की बिना मर्जी से जबरन शादी कर दी, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी ने थाने में आकर की। पीड़िता मां की शिकायत पर उसके खुद के पति यानी लड़की के पिता और नाबालिग लड़की के पति के खिलाफ थाना बसीलपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाने में ये महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत करने आई है, क्योंकि इसके पति ने अपनी बेटी का बाल विवाह करा दिया। मामला थाना बिलासपुर क्षेत्र का है। कस्बे के रहने वाले रामशरण ने अपनी नाबालिग बेटी लीलावती के विवाह अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में कस्बे के ही रहने वाले विनय शर्मा के साथ कर दिया। बीती जे जुलाई को एक मंदिर में उसकी शादी करवा दी गई। शादी के बाद जब लड़की विदा होकर घर नहीं आई तो लीलावती की मां मीना देवी बीती 11 अगस्त 2019 को जबरदस्ती अपनी बेटी को घर ले आई। नाबालिग लीलावती ने अपनी मां मीना देवी को बताया कि उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई और उसका पति उसको मारता भी है। पति की कैद से छूटी बेटी की पूरी बातें सुनकर माँ बेटी अब बिलासपुर थाने में शिकायत करने आई है। मीना देवी ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग बेटी की शादी उससे बिना पूछे जबरदस्ती उसके पति ने करा दी और उसकी नाबालिग लड़की को उसके पति ने कैद कर लिया और बेटी के साथ मारपीट भी की। इस मामले में नाबालिग बेटी के पिता और पति के खिलाफ थाना बिलासपुर में FIR दर्ज कर ली गई है। बाल विवाह प्रथा आज भी हमारे यहाँ फल फूल रही है। बाल विवाह के एक महीने के बाद लड़की ने अपनी माँ से शिकायत की, लेकिन ना जाने कितनी और किशोरियों को विवाह करा दिया जाता है और किसी को पता नहीं चलता है। इस मामले में दोनों आरोपियों पर बाल विवाह और मारपीट जैसी धाराओं में लड़की के पिता और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि वह भारत जो अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, उसमें आज भी ऐसी कुरीति जिंदा है। एक ऐसी कुरीति जिसमें दो अपरिवक्त लोगों को जो आपस में बिल्कुल अनजान है, उन्हें जबरन जबर जिंदगी भर एक साथ रहने के एक बंधन में बांध दिया जाता है और वे दो अपरिवक्त बालक शायद पूरी जिंदगी भर इस कुरीति से उनके ऊपर हुए अत्याचार से उभर नहीं पाते हैं और बाद में स्थितियां बिल्कुल खराब हो जाती हैं और नतीजे तलाक और मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा लीलावती। क्या मामला है आपका? पापा ने मुझे मारा और पापा ने कहा शादी नहीं करेगी तो तुझे मारूंगी, तो मैंने शादी करी तो उसकी है, पापा ने मेहर कर दी तो अब वो लोग मारते हैं हमें, पी के शराब पी के। कब हुई शादी आपकी? 6 तारीख को हुई, एक महीना। कितनी साल उम्र है आपकी? 15 साल की। थाना बीसलपुर में एक मां ने अपनी बेटी के सपोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया, कहा उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी, लड़की नाबालिग है। क्या जानकारी है आपको, क्या कार्रवाई आपके प्रशासन तरफ की जाएगी? इसमें आपके द्वारा हमें सूचना मिली है कि नाबालिग की शादी कराई गई है, तो इसमें जो हमारा बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 है उसके तहत अगर पीड़िता तहरीर देती है तो उसमें फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें FIR हो चुकी है और FIR होने के बाद माननीय न्यायालय में केस जाएगा, वहाँ से इसके पुनर्वासन के जो भी हमें निर्देश दिए जाएंगे वो कार्रवाई कराई जाएगी और इस स्थिति में विवाह शून्य घोषित किया जाएगा, क्योंकि ये कार्यवाही माननीय न्यायालय पे है तो उसके उनके कंप्लाइंस के बाद ही हम लोग उसमें जैसा निर्देश होंगे वो कार्यवाही। अच्छा, मामला इस सत्य पर आ जाता है तो उनके जो पिता है लड़की का और जो उसका पति जिसका शादी हुई है तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इसमें उसमें कार्यवाही का प्रावधान है, उसमें जो भी शामिल है विवाह करने में वो जो उनके माता पिता हैं लड़के के और लड़की के दोनों ही दोषी हैं, साथ ही उसमें जो सहायक रहे हैं जिसने भी वो शादी अनुज्ञापित कराई है जो उसमें सहायक रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये जो FIR हुई है उसी के तहत ही जो भी विधिक कार्रवाई है उसी के अनुसार ही की जाएगी। सर, एक प्रकरण सामने आया है बीसलपुर में, 15 साल की बच्ची नाबालिग बच्ची का विवाह करा दिया गया, तो इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? ये परसों रात को एक सूचना दी थी पीड़िता जो है उसके भाई ने, मेरे पिता ने मेरे परिवार की इच्छा के विरुद्ध मेरी बहन की शादी कर दी है, जिसमें कल उस पीड़िता की मां की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है बाल विवाह की, जिसमें पीड़िता के पिता और जिसने शादी की है उनकी बालिग दिखती है उनके विरुद्ध बाल विवाह और मारपीट के धारा में उनका मुकदमा किया गया। आगे की कार्रवाई जो भी
मेहनत वो की जा रही है और मीना देवी और जो पीड़िता है उनसे जानकारी जुटाई जाएगी किन परिस्थितियों में इस तरह से ये विवाह हुआ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।